अगर आपके घर में भी लगा है इन्वर्टर तो गलती से भी हमारी खबर को ना कीजिएगा स्किप, नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना। हमारे साथ समझिए आपकी एक गलती कैसे आपके पूरे बिजली तंत्र को कर सकती है बर्बाद। हमारे साथ समझिए ये पूरी खबर असरदार। आपके घर में अंधेरा ना छाए, कैस्को लाइट कार्ड भी दे तो भी आपका घर रोशनी से जगमगाता रहे और आपको ठंडी ठंडी हवा मिलती रहे, इसलिए अक्सर हम अपने घर में इन्वर्टर ले आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आराम देने वाला इन्वर्टर आपको जरा सी लापरवाही के कारण बड़ी दिक्कत भी दे सकता है। आज हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं कि आप क्या सावधानी बरतकर अपने इन्वर्टर को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसा कि अगर घर पर वोल्टेज ज्यादा हो तो इन्वर्टर के सर्किट शॉर्ट का खतरा बना रहता है। वैसे तो इन्वर्टर के होने से हर मौसम में आराम ही रहता है, लेकिन इन्वर्टर की अहमियत सबसे ज्यादा गर्मी में पता चलती है। जिन जगहों में बिजली की खूब कटौती होती है वहां के लिए इन्वर्टर वरदान जैसा साबित होता है। लेकिन जैसे हर इलेक्ट्रॉनिक सामान गर्मी में ओवरहीट होने का शिकार होते हैं, वैसे ही अगर इन्वर्टर की ठीक से देखभाल न की जाए तो इसमें भी ओवरहीटिंग से आग लगने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। जैसा कि गर्मी में इलेक्ट्रॉनिक सामान में शॉर्ट सर्किट होना या आग लगना बहुत आम जैसी बात है, किसी तरह की कोई घटना ना हो इसके आपको सचेत रहना चाहिए। इसको लेकर एक्सपर्ट बताते हैं कि इन्वर्टर में चार्जिंग बताने वाली लाइट जब खराब हो जाती है तो लोग उस पर खासा ध्यान नहीं देते हैं और इससे बैटरी के ओवर चार्जिंग का खतरा भी बढ़ जाया करता है। ओवर चार्जिंग से बैटरी बहुत तेजी से गर्म हो जाती है और शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर घर पर ज्यादा वोल्टेज है तो भी इन्वर्टर के सर्किट शॉर्ट होने की संभावना बनी रहती है, जिसके द्वारा आग लग सकती है। तो वहीं अगर इन्वर्टर की वायरिंग बहुत पुरानी हो गई है या अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो इससे तार शॉर्ट होने के खतरा ज्यादा हो जाते हैं। आपको बता दें कि बैटरी का पानी का लेवल जांचने के लिए एक इंडिकेटर होता है, उसे आपको लगातार देखते रहना चाहिए, क्योंकि अगर बैटरी में पानी कम हो गया है तो इसकी वजह से लोड बढ़ सकता है और बैटरी फट भी सकती है। तो वहीं अगर आप किसी भी सामान की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो साफ सफाई बेहद जरूरी है। मेंटेनेंस न होने पर इन्वर्टर के अंदर धूल और गंदगी जमा हो जाती है जो शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती है। साथ ही ये भी आपको देखते रहना चाहिए कि जहां पर आपने इन्वर्टर और बैटरी को रखा है वहां पर हवा का सर्कुलेशन होता रहे ताकि बैटरी हीट होने से बची रहे। फिलहाल अगर आपके घर पर भी इन्वर्टर है तो आप कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण नियम का पालन कर इन्वर्टर को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो वहीं आपकी जानकारी में जिसके जिसके यहाँ इन्वर्टर हो आप उसे भी हमारी ये खबर भेजकर सचेत कर सकते हैं और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। फिलहाल कई बार गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि इन्वर्टर में किसी न किसी कारण से आग लग जाती है, लेकिन आप ऊपर बताए गए उपायों को आजमाकर काफी हद तक अपने इन्वर्टर को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही आप ये जानकारी और सभी लोगों को साझा कर सकते हैं और लोगों को इससे भी अवेयर कर सकते हैं ताकि इन्वर्टर से होने वाले हादसों के मामलों में गिरावट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।